हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल समथिंग न्यू विद गार्गी में। कैसे हैं आप सब? आज हम एक ख़राब बॉटल से डेकोरेटिव पीस बनाने वाले हैं जो बहुत इजी है और बहुत जल्दी से बन जाएगा। तो उसके लिए मैंने इस तरह की कांच की बॉटल ले ली है। इस बॉटल में कुछ फीचर्स पहले के बने हुए हैं, तो बस मुझे इसमें ज़्यादा काम नहीं करना है। बस मैंने फॉइल पेपर लेकर उसका फेस बनाने का ट्राई किया है, तो मैंने ऊपर वाला जहाँ से हम कैप लगाते हैं उसका कैप भी नहीं था मेरे पास, तो मैंने सिर्फ इसका ऊपर फॉइल पेपर लगाया और उसके ऊपर क्ले लगा के उसका फेस बनाने की कोशिश की है। अब मैं न्यूज़पेपर, टिश्यू और फॉइल पेपर की हेल्प से इसकी एक टर्बन बनाऊंगी। मैंने इसका टर्बन बनाने के लिए न्यूज़पेपर और फॉइल पेपर का यूज़ किया है। उसके बाद टिश्यू लेकर टिश्यू को थोड़ा पानी की हेल्प से लंबी लंबी स्ट्रिप्स बनाकर और उससे मैंने इसका टर्बन बनाया है और फेविकॉल से इसको स्टिक कर दिया है। उसके बाद मैंने पूरे में इसमें जैसो अप्लाई किया है, जिससे हम इसमें जो भी कलर करेंगे वो बहुत वाइब्रेंट और खिलकर आएगा। जैसे अप्लाई करने के बाद मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था। जब ये ड्राई हो गया था तो मैंने आगे का कलर स्टार्ट किया था इस पर करना। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि मैं इसका एक कुर्ता बना के और उसकी एक धोती बनाऊंगी, एक सेठ जी टाइप कुछ बनाऊंगी। तो मैंने नीचे वाइट कलर किया था और ऊपर रेड कलर का कुर्ता बनाने के लिए मैंने रेड एक्रेलिक कलर का यूज़ किया था। हालाँकि बाद में मैंने इसको प्रॉपर रेड ही कर दिया था, क्योंकि जो धोती मैं बनाने की कोशिश कर रही थी वो प्रॉपर ढंग से बनी नहीं, तो मैंने सोचा इसका पूरे को कुर्ते को रेड ही कर देते हैं। धोती बनाने की एक नाकाम कोशिश करने के बाद मैंने इसको प्रॉपर रेडी कर दिया। अब क्योंकि धोती बनाते वक्त मैंने थोड़ा ब्लैकिश यूज़ किया था, तो थोड़ा नीचे डार्क रेड आया है, लेकिन वो भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा था तो मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया। कलर करने के बाद जो फीचर्स इस बॉटल पे पहले से बने हुए थे उसको हाईलाइट किया है मैंने। तो स्किन कलर लेकर इसके हाथ को थोड़ा कलर किया है। उसके बाद जो ग्लास या कप इसने पकड़ा हुआ था उसको मैंने मेटालिक कलर यूज़ करके पहले ब्रॉन्ज कलर दिया, उसके बाद मैंने इस पर सिल्वर कलर कर दिया था और फेस पे भी मैंने इसमें स्किन कलर दे दिया था। उसके बाद हम इसके फीचर्स बनाएंगे, फेस के फीचर्स बनाएंगे। इतना कलर करने के बाद मैंने इसे ड्राई होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आगे का काम करने के लिए इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी था, वरना सारे कलर मिक्स हो जाते। तो जब ये ड्राई हो गया तो मैंने इसके जो ग्लास इसने पकड़ा हुआ था उसको मैंने सिल्वर कलर कर दिया और इसकी टर्बन को भी येलो कलर से पेंट कर दिया। अब मैंने क्ले की हेल्प से इसके फीचर्स बनाए। तो फीचर्स पे मैंने फेस में केवल मूंछ और तिलक ही बनाई है, क्योंकि एक तो फेस बहुत छोटा था, तो मैं इसमें अगर आईज़ और नोज़ बनाने की कोशिश करती तो मुझसे इतना अच्छे से बनता नहीं, तो मैंने सोचा ऐसा ही बना देते हैं, आजकल इतना भी अच्छा लगता है देखने में। तो उसको बना दिया क्ले से और उसको ड्राई होने के लिए रख दिया। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन था उस पर मैंने ब्लू कलर कर दिया ताकि ये थोड़ा हाईलाइट हो सके। जब क्ले सूख गई थी तो उस पर मैंने मूंछों को ब्लैक कलर कर दिया और तिलक पे रेड कलर कर दिया और आगे की डिज़ाइन थोड़ी थोड़ी डिटेल इसमें ऐड कर दी,
गोल्डन कलर से भी, ताकि ये सुंदर लगेगा। बस कलर करने के बाद इसमें हम छोटी छोटी डिटेल्स और ऐड करेंगे और उसके बाद इसे ड्राई होने के लिए रख देंगे और हमारा शोपीस तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ इसे लाइक किया कीजिए, क्योंकि लाइक आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेशन देने का काम करता है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को अगर वीडियोज़ पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा आपको, ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेगी। तो ऐसे और भी DIY क्राफ्ट्स देखने के लिए, होम डेकोरेशन आइडियाज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये है इसका फाइनल लुक, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।